हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, अब फिलहाल सुबह सुबह मैं आ चुका हूँ गायों को बाहर घुमाने के लिए। तो गाइस, अब फिलहाल मैंने छोड़ दिया है आधे रास्ते पे, तो अभी चलते हैं घर पे। तो गाइस देखो, पूरा एकदम मस्त मौसम हो रहा है अब फिलहाल दीपक और हम दोनों आए, तो अभी चलते हैं एक बार घर पे। भाई यहाँ पर तो पूरा बारिश होने के बाद पूरे उत्तरा पर पूरी घास रोड उधर भी वो खड्डा गया है। हाँ, तो भाई यहाँ पर क्या है, कभी कल जैसे भी यहाँ पर चल रहे थी तो यहाँ पर ये रोड तो थे है ही, और साइड में यहाँ पर और रोड बनेगा जिससे पूरा चौड़ा रास्ता हो जाएगा, उससे ठीक रहेगा। तो भाई ये हमारे खेत जो कि इस तरफ है पूरे खेत, जो भाई मैंने पोले पहले लगभग एक दो महीने पहले वीडियो में बताया था, क्योंकि हमारे खेत में वो गेहूँ उगे थे, गेहूँ भी पके हैं, गेहूँ भी काट दिए। पर अभी फिलहाल बारिश हो रही है फूल, और यहाँ पर तो काफी घना चारा उग रहा है अंदर, तो इसलिए अभी नहीं जा सकते क्योंकि सांप पड़े रहते हैं यहाँ पर, इसीलिए। तो फिलहाल अभी तो मक्का की फसल उगा दी है, तो अभी भुट्टे उगेंगे, जैसे मक्का नहीं बोलूंगा, ठीक है भुट्टे बोल देता हूँ, भुट्टे में समझ में आ गया होगा, तो ठीक है। तो भाई अभी सुबह का सूर्योदय बताता हूँ आपको, क्योंकि भाई ये रहा भाई, देखो सुबह का सूर्योदय कितना प्यारा लग रहा है, एकदम मस्त। अभी घड़ी सुबह की 6:30 बजी है, तो भाई अब फिलहाल ऐसा नजारा हो रहा है। तो अभी एक बार जल्दी से घर पे चलते हैं, और आज मेरा एग्जाम भी है, तो चलना है एग्जाम देने के लिए वहीं पर उपली ओडन, वहीं कॉलेज में। तो भाई आज तो एग्जाम में कुछ पढ़े थे कि नहीं, देखते हैं कैसा निकलता है एग्जाम। तो भाई जाओ, फिलहाल घड़ी 9 बजने को आई है, और मम्मी फिलहाल यहाँ पर तो काम कर रही है, और मैं फिलहाल कॉलेज के लिए रवाना हो चुका हूँ। अब मैंने कपड़े डाल दिए, आज तो सिर्फ होम ड्रेस ही पहन के जा रहा हूँ। तो अभी दोस्त आ चुका है, तो जल्दी चलते घर जाएगा घाटी, उसको पिकअप करते हैं और फिर चलते हैं सीधे कॉलेज। तो गाइस अब फिलहाल एग्जाम खत्म हो चुका है, तो फिलहाल मैं तो यहाँ पर खड़ा हूँ अभी फ्रेंड्स कॉलेज के अंदर। तो ये है मेरी कॉलेज जो कि पुयूं, वहाँ से लगो भाई लास्ट तक, भाई काफ़ी बड़ी कॉलेज है। तो यहाँ पर है मेरा सेंटर, तो अब फिलहाल पर एग्जाम दे दिया है, तो एक बार यहाँ पर खड़ा हूँ, चलते हैं घर पर। अब फिलहाल बनास नदी पे, तो भाई ये देखो अब फिलहाल बनास नदी चल रही है यहाँ पर। तो कौन नहीं अतरू पानी है दूसरी और भाई पोछ पुट तो डर ही रहे मैं दर्पण लागे फाइनली हमारे बनास नदी की नदी चल चुकी है, आवाज आ रही नहीं आ रही, और पता नहीं भाई यहाँ पर तो बहुत गाड़ियाँ चल रही। हाँ आप जाके ठीक है। तो भाई फाइनली बनास नदी चल चुकी है, जो कि ये गुंजोल वाली बनास है, हमारी वाली बनास मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। तो यहाँ पर तो पानी काफी तेज चल रहा है अभी। तो भाई आप सभी ने मेरे हल्दी घाटी वीडियो में भाई काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है भाई, अभी मैंने देखा 180 तक व्यूवर्स टच कर गए। तो भाई थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, तो ऐसे सपोर्ट बनाए रखना। और भाई जो भी नए नए लोग आ रहे हैं वो चैनल को भाई सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। तो अब फिलहाल थोड़ी देर यहाँ पर और रुकते हैं, और फिर घर पे चलता हूँ। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है मेरा घर, तो चलेंगे। तो भाई अब फिलहाल घड़ी बजी 4:15, और अभी मैं उठा हूँ जस्ट, जो कि मैं कॉलेज से आया, थोड़ी देर बैठा तो भाई पूरा थक गया, इसे मैं तो सो गया। तो फिलहाल मुझे जाना दाहिला जा को लेके, तो थोड़ा इमित्र पे काम है, तो चलते हैं दाहिला। तो भाई जाओ फिलहाल मैं तो आ चुका हूँ घर पे, तो अभी इमित्र पे काम था, जा की मतलब वो पेंशन आती है, तो इसीलिए पेंशन का काम पूरा हो गया। तो एक बार क्या है, मोबाइल नंबर लिंक कराने थे उसमें, इसीलिए मुंडा में लिंक हाँ। तो भाई जाओ फिलहाल मैं तो आया यहाँ पर छत पे, तो एकदम
यहाँ पर तो पूरा काम रेडी हो चुका है, बस सिर्फ थोड़ा बहुत और काम रह गया, बाकी सब रेडी है। तो फिलहाल यहाँ पर तो खिड़कियाँ सब लग चुकी हैं, देखो भाई पूरी रेलिंग बाकी सब लग चुके हैं। अब एक बार नीचे चलते हैं। आज है बाबा की बीज, मतलब रामदेव राम, मतलब बाबा रामदेव है, उनकी बीज आती है, मतलब शुक्ल पक्ष की बीज, तो आज वो है, तो उसी के चलते आज मम्मी और पापा दोनों ने व्रत रखा है, तो उसी आज भगवान के चावल चढ़ाएंगे, चावल और खीर। तो अब फिलहाल मम्मी बना रही यहाँ पर चावल, और नीचे जाने चावल बना दिए, तो एक बार नीचे बताता हूँ क्यों बना है। वैसे पहला वो मेरा टोनी है कुत्ता, तो उसको एक मतलब दो तीन कुत्तों ने काट लिया था यहाँ पर मुंह पे, तो पूरे कीड़े पड़ गए, इतना हालत खराब हो गई। और फिर जाने भगवान जी से बोला कि एक बार टोनी ठीक हो जाए, तो उसी खुशी में है भगवान जी को चावल चढ़ाएंगे, तो इसीलिए आज जान चावल बनाए और अभी चावल खिलाएंगे। खड़ा ना खा ले टोनी, खा ले, हाँ खा ले। भाई जो फिलहाल मैं तो नीचे बैठ चुका हूँ, तो आपने रीजन देख लिया होगा कि जाने मैं दादी ने चावल क्यों बनाए, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर टोनी अब तो ठीक हो भी चुका है भाई, उतनी हालत खराब हुई, हमारे पूरा इमोशनल हो गए भाई, कब तक ठीक होगा, पूरा बीमार, इतना जबरदस्त हो गया, मरने की हालत हो गई। तभी जहाँ दादी ने कहा कि भगवान से बोला कि इसको जल्दी ठीक कर दो, तो आपके लिए चावल बनाऊंगी बाद शुक्ल पक्ष की बीज में ठीक है, तो चावल बनाए। तो फिलहाल एक बार तो प्रसाद चढ़ा दिया भगवान के, और अभी टोनी को खिला रहे वही प्रसाद, तो भाई इसको बचा के रखना ठीक है। जाओ फिलहाल चावल तो ले आया हूँ, एक बार मैं चावल खाता हूँ, तो यहाँ पर तो बन रहे हैं हमारे चावल धीरे। तो फिलहाल चावल तो बन गया और दाल। तो जाओ फिलहाल अंधेरा हो चुका है, और अभी हम भगवान जी के दर्शन हो चुके हैं, तो फिलहाल यहाँ पर पूरा एकदम पूरा भगवान। फिलहाल इतने कुछ चावल बनाए हैं, और अभी सब्जी बन रही है, लेकिन फिलहाल आज तो दाल बनाई है, तो दाल के साथ मम्मी रोटी या बाटी? बाटी नहीं, तो आज सिर्फ दाल रोटी बनेगी, बाटी नहीं बनेगी। तो गाइस इस व्लॉग को मैं बनाना चाहता हूँ, तो आई होप इसका व्लॉग आप सभी को पसंद आए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।